कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार करना पड़ा। यहाँ पर ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए जो स्टेट का प्री बजट इस वक्त चल रहा है, स्टेट के हवाले से जिस बजट में स्टेट के मुख्तलिफ डेवलपमेंट कामों पे पैसा रिलीज किया जाएगा और बजट में रखा जाएगा, जो इंफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेशन कमेटी को, मेरे ख्याल से बजट के हवाले से आइसोलेट किया जाता है कश्मीर प्रोविंसी को। जितने प्रोजेक्ट जम्मू में गवर्नर इंतजामिया ने उठाया है, उतने प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से कश्मीर में नहीं उठाए गए। कम से कम जो हमारी इंफॉर्मेशन है, कश्मीर से ज़्यादा जम्मू को कम से कम 500 करोड़ एक्स्ट्रा दिया जाता है डेवलपमेंट के हवाले से, जिससे कश्मीर की डेवलपमेंट सफ़र हो जाएगी, जिससे कश्मीर के जितने भी ठेकेदार साहिबान हैं वो सफ़र हो जाएंगे, जितने भी हमारे मजदूर हैं, हमारे लेबर हैं, हमारे सप्लाई वाले हैं, जितने भी तबकाई फिक्र के लोग हैं कश्मीर में, उन पे इसका असर पड़ जाएगा। हमें लग रहा है गवर्नर इंतज़ामिया एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मेरे ख्याल से गवर्नर के एडवाइज़र भी है, गवर्नर इंतज़ामिया भी है, मोटिवेट सियासी तंजीम की तरफ से आप जम्मू को ज़्यादा तरजीह दीजिए डेवलपमेंट के हवाले से, कश्मीर को आप कम तरजीह दीजिए डेवलपमेंट के हवाले से। आने वाले जो इलेक्शन हो रहा है 2019 में, मेरे ख्याल से ये उस चीज़ की अकासी है, एक मखसूस सियासी प्लेटफॉर्म को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश चल रही है गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से। मेरे ख्याल से जो सियासी वो तंजीम है, वो बीजेपी है, जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से मदद हो रहा है डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि जब वो बीजेपी वाले 2019 के इलेक्शन में आएंगे, उनको ये फ़ायदा मिलेगा इलेक्शन के दौरान, उनको ये एज होगा इलेक्शन के दौरान। इस चीज़ के साथ हम नहीं हैं, इस चीज़ को हम मजम्मत करते हैं। अगर यही सिलसिला रहा गवर्नर इंतज़ामिया का, चाहे वो गवर्नर इंतज़ामिया के एडवाइज़र हो, चाहे वो खुद भी गवर्नर साहब हो, मेरे ख्याल से फिर हमें ये डेवलपमेंट के हवाले से कश्मीरियों को, यहाँ के ठेकेदारों को इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से फिर ये पैसा जम्मू में लगाया जाए, मेरे ख्याल से ये पैसा लद्दाख में लगाया जाए, जितनी भी जातियाँ करनी है कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों के ठेकेदारों के साथ गवर्नर इंतज़ामिया कर सकती है जाती, क्योंकि बुआ रही है हमें, ये हमवार हो रहा है, ये ज़मीन तैयार हो रहा है बीजेपी के हवाले से जम्मू में डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि आसानी से बीजेपी वहाँ पर इलेक्शन जीत सके जम्मू में। कल यही डेवलपमेंट वो उठाएंगे पब्लिक रैलियों में, इलेक्शन रैलियों में, पब्लिक मीटिंगों में, ताकि उनको ये बोनस पॉइंट मिले। उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा मसला हुआ, जिस चीज़ से यहाँ की डेवलपमेंट सफ़र हुई, जिस चीज़ से यहाँ के ठेकेदार बेरोज़गार हुए, जो पिछले 2016 से कंटिन्यू नेट बंद है साउथ कश्मीर में, 2016 से कंटिन्यू नेट है बंद नॉर्थ कश्मीर में, ना हमारे ठेकेदार साहिबान टेंडर पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि जब नेट बंद हो, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट में इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ऑनलाइन टेंडरिंग होनी चाहिए। 2016 से वो नेट बंद है साउथ कश्मीर में भी, नॉर्थ कश्मीर में भी, जिससे हमारे ठेकेदार साहिबान ना ऑनलाइन टेंडर डाल सकते हैं। जितनी भी एलोकेशन है कश्मीर प्रोविंसी के हवाले से, वो एलोकेशन मेरे ख्याल से यूटिलाइज नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है ताकि यह पैसा सेव हो जाए कश्मीर में, ये
पैसा सेव हो जाए कश्मीर में, ये डेवलपमेंट को नहीं लगना चाहिए ये पैसा, यहाँ का नेट भी बांध रखो, यहाँ की टेंडर पार्टिसिपेशन भी बांध रखो, ताकि इस पैसे को हम जम्मू और लद्दाख की तरफ डाइवर्ट करेंगे। वो भी एक मंसूबा है मेरे ख्याल से गवर्नर इंतज़ामिया का। बार बार हमने स्टेट की गवर्नमेंट को कहा था, चाहे वो सियासी तंजीमें थी यहाँ पर, उनकी सरकार थी यहाँ पर, चाहे गवर्नर इंतज़ामिया था यहाँ पर, खासकर गवर्नर इंतज़ामिया ने ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की कश्मीरियों पर। हमने बार बार उनको कहा था 10 लाख से ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, इसको आप छूट दीजिए, ताकि यहाँ का जो गरीब ठेकेदार हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो, कुपवारा में हो, गुरेज में हो, साउथ कश्मीर में हो, वो इस टेंडर को पार्टिसिपेट कर सके, ताकि जो भी एलोकेशन है कश्मीर के हवाले से वो एलोकेशन यूटिलाइज हो सके। मेरे ख्याल से एक मंसूबा बंद साजिश के तहत इस जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी गवर्नमेंट के पास, गवर्नर इंतज़ामिया के पास, उस चीज़ पे अमल नहीं की गवर्नर इंतज़ामिया ने। उसके साथ साथ जब हम टेंडर पार्टिसिपेट करते थे ऑनलाइन सिस्टम से, उसके बाद हमें हार्ड कॉपी लेके जाना था आपसू में, कंसर्न आपसू में जहाँ पर वो टेंडर निकलता था, उसको भी एक चालान के सूरत में पेश किया गवर्नर इंतज़ामिया ने, इसको चालान बनना चाहिए, ये जो हार्ड कॉपी है, ये जो डॉक्यूमेंट फीस है इस टेंडर का, ये भी ऑनलाइन होना चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को भी ऑनलाइन किया गया, ताकि मकसद एक ही है गवर्नर इंतज़ामिया का और गवर्नर का, कश्मीर के ठेकेदार टेंडरों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसको भी ऑनलाइन सिस्टम में डाला गया, जिससे जिस चीज़ से यहाँ की डेवलपमेंट भी सफर हो गई। उस चीज़ से हमने डिमांड की थी इस हार्ड कॉपी को, इस ऑनलाइन चालान को आप ख़त्म कीजिए, ताकि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं हमारे, जहाँ से हमारी टेंडरिंग पब्लिश हो रही है, हम उस चालान को वहीं पर डॉक्यूमेंट के तौर एक जीआर काटे के वहीं पर, ताकि हमें ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखे आए रोज़ यहाँ पर। इस चीज़ के साथ हम नहीं हैं, इस चीज़ को हम मजम्मत करते हैं। अगर यही सिलसिला रहा गवर्नर इंतज़ामिया का, चाहे वो गवर्नर इंतज़ामिया के एडवाइज़र हो, चाहे वो खुद भी गवर्नर साहब हो, मेरे ख्याल से फिर हमें ये डेवलपमेंट के हवाले से कश्मीरियों को, यहाँ के ठेकेदारों को इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से फिर ये पैसा जम्मू में लगाया जाए, मेरे ख्याल से ये पैसा लद्दाख में लगाया जाए, जितनी भी जातियाँ करनी है कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों के ठेकेदारों के साथ गवर्नर इंतज़ामिया कर सकती है जाति, क्योंकि बू आ रही है हमें, ये हमवार हो रहा है, ये ज़मीन तैयार हो रहा है बीजेपी के हवाले से जम्मू में डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि आसानी से बीजेपी वहाँ पर इलेक्शन जीत सके जम्मू में। कल यही डेवलपमेंट वो उठाएंगे पब्लिक रैलियों में, इलेक्शन रैलियों में, पब्लिक मीटिंगों में, ताकि उनको ये बोनस पॉइंट मिले। उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा मसला हुआ, जिस चीज़ से यहाँ की डेवलपमेंट सफ़र हुई, जिस चीज़ से यहाँ के ठेकेदार बेरोज़गार हुए, जो पिछले 2016 से कंटिन्यू नेट बंद है साउथ कश्मीर में, 2016 से कंटिन्यू नेट है बंद नॉर्थ कश्मीर में, ना हमारे ठेकेदार साहिबान टेंडर पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि जब नेट बंद हो, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट में इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ऑनलाइन टेंडरिंग होनी चाहिए। 2016 से वो नेट बंद है साउथ कश्मीर में भी, नॉर्थ कश्मीर में भी, जिससे हमारे ठेकेदार साहिबान ना ऑनलाइन टेंडर डाल सकते हैं। जितनी भी एलोकेशन है कश्मीर प्रोविंसी के हवाले से, वो एलोकेशन मेरे ख्याल से यूटिलाइज नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है, ताकि यह पैसा सेव हो जाए कश्मीर में, ये पैसा सेव हो जाए कश्मीर में, ये डेवलपमेंट को नहीं लगना चाहिए ये पैसा, यहाँ का नेट भी बांध रखो, यहाँ की टेंडर पार्टिसिपेशन भी बांध रखो, ताकि इस पैसे को हम जम्मू और लद्दाख की तरफ डाइवर्ट करेंगे। वो भी एक मंसूबा है मेरे ख्याल से गवर्नर इंतज़ामिया का। बार बार हमने स्टेट की गवर्नमेंट को कहा था, चाहे वो सियासी तंजीमें थी यहाँ पर, उनकी सरकार थी यहाँ पर, चाहे गवर्नर इंतज़ामिया था यहाँ पर, खासकर गवर्नर इंतज़ामिया ने ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की कश्मीरियों पर।
हमने बार बार उनको कहा था 10 लाख से ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, इसको आप छूट दीजिए, ताकि यहाँ का जो गरीब ठेकेदार हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो, कुपवाड़ा में हो, टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, इसको आप छूट दीजिए, ताकि यहाँ का जो गरीब ठेकेदार हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो, कुपवाड़ा में हो, गुरेज में हो, साउथ कश्मीर में हो, वो इस टेंडर को पार्टिसिपेट कर सके, ताकि जो भी एलोकेशन है कश्मीर के हवाले से वो एलोकेशन यूटिलाइज हो सके। मेरे ख्याल से एक मनसूबा बंद साजिश के तहत इस जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी गवर्नमेंट के पास, गवर्नर इंतज़ामिया के पास, उस चीज़ पे अमल नहीं की गवर्नर इंतज़ामिया ने। उसके साथ साथ जब हम टेंडर पार्टिसिपेट करते थे ऑनलाइन सिस्टम से, उसके बाद हमें हार्ड कापी लेके जाना था आपसू में, कंसर्न आपसू में जहाँ पर वो टेंडर निकलता था, उसको भी एक चालान के सूरत में पेश किया गवर्नर इंतज़ामिया ने। इसको चालान बनना चाहिए, ये जो हार्ड कापी है, ये जो डॉक्यूमेंट फीस है इस टेंडर का, ये भी ऑनलाइन होना चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को भी ऑनलाइन किया गया, ताकि मकसद एक ही है गवर्नर इंतज़ामिया का और गवर्नर का, कश्मीर के ठेकेदार टेंडरों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसको भी ऑनलाइन सिस्टम में डाला गया, जिससे जिस चीज़ से यहाँ की डेवलपमेंट भी सफ़र हो गई। उस चीज़ से हमने डिमांड की थी इस हार्ड कॉपी को, इस ऑनलाइन चालान को आप ख़त्म कीजिए, ताकि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं हमारे, जहाँ से हमारी टेंडरिंग पब्लिश हो रही है, हम उस चालान को वहीं पर डॉक्यूमेंट के तौर एक जीआर काटेंगे वहीं पर, ताकि हमें ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें आए रोज़ यहाँ पर